यदि आप राष्ट्रीय राजधानी में हैं या उत्तर भारत में कहीं भी, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ कितनी ठंड है। ये जनवरी असामान्य रूप से सर्द रही है और सर्दियों की बारिश इसे और भी खराब कर रही है। घना कोहरा और लगातार बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है। वीकेंड कर्फ्यू ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में ताजा शीतलहर की गंभीर मार पड़ रही है, जिसके कम से कम एक हफ्ते और रहने की संभावना है। भारत मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों में बारिश, कोहरे और कम तापमान की भविष्यवाणी की है, इसलिए जल्द ही किसी राहत की उम्मीद नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ला नीना के कारण है, प्रशांत महासागर में एक मौसम की घटना जो तापमान में गिरावट लाती है। नतीजतन उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है और कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 पॉइंट के नीचे चला गया है। राजस्थान में फतेहपुर और चुरू में न्यूनतम तापमान 0 पॉइंट से नीचे चला गया। IMD ने लोगों को अचानक बदलाव की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तापमान में गिरावट गंगा के मैदान पर एक बड़े बादल छाए रहने के कारण भी है। इससे कोहरा छाया हुआ है और पूरे क्षेत्र में धूप अवरुद्ध हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इसे क्लियर होने में कई दिन लगेंगे। बादल के आकार के बारे में ये जान लेना आवश्यक है कि 1700 किलोमीटर लंबा है और पाकिस्तान से बिहार तक फैला हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बारिश होगी। शीतलहर आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाओं से पश्चिम से आती है। यही हवाएं उत्तर भारत में बारिश के लिए जिम्मेदार भी हैं। ये नमी से भरी हुई होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हल्की सी भारी बौछार हर तरफ देखने को मिल रही है। एक अन्य कारक बर्फबारी भी है, जो अभी हिमालयी इलाके में देखी जा रही है। हिमालय में अभूतपूर्व हिमपात भी हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड और भी बढ़ेगी। जहां सर्दियां सड़कों पर रहने वालों के लिए काफी कष्टदायक है, वहीं नेटिजन्स अपने अपने तरीके से इस ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। ऑनलाइन मीम्स की बारिश हो रही है, क्योंकि नेटिजन्स ने शीतलहर से निपटने के लिए अपने अलग ही तरीके खोजे हैं। नेटिजन शीतकालीन फैशन और मौसमी प्रसन्नता साझा भी कर रहे हैं और कुछ ने इसे जश्न के तौर पर मनाया भी।